मालीघाट में सरला श्रीनिवास सामाजिक संगठन शोध संस्थान की तरफ से पुरखा पुरानिया लोक संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें यादों के जश्न के तहत प्रख्यात पत्रकार शिवशंकर श्रीवास्तव की यादों को सहेजने और सरीखने और उनके कदमों पर चलने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने नई पीढ़ी से लोक संस्कृति को सहेजने का आह्वान भी किया। वक्ताओं ने कहा कि पुरखों की सीखों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे सहूलियत होती है और सम्मान भी जगती है। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षाविद डॉक्टर फुलगेन पूर्वे ने कहा कि शिवशंकर श्रीवास्तव पत्रकारिता के लिए काफी समर्पित थे। आज के समय में पत्रकारिता की दिशा और दशा बदल गई है, मूल को सहेजने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और धारदार पत्रकारिता की आज भी जरूरत है, लेकिन आज पत्रकारिता व्यवसाय का रूप ले चुका है, अच्छे पत्रकारों की कदर नहीं है, पत्रकारिता के नाम पर लोगों को भरमाया जा रहा है। इधर बंदरा में होली के दिन मतलूपुर पंचायत में पोखर में डूबकर पूर्व पंचायत समिति सदस्य की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद यहां काफी बवाल मचा था, परिजनों के द्वारा काफी नाराजगी जताई गई थी, लोगों ने सड़क को जाम कर दिया था। बताया जाता है कि इस मामले में आज अंचल प्रशासन की तत्परता देखी। मतलूपुर पंचायत के मुखिया इंदु देवी के द्वारा मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। बताया जाता है कि बंदरा अंचल के सीओ रमेश कुमार के पहल पर आपदा प्रबंधन विभाग से 4 लाख रुपए का चेक जारी किया गया है। मतलूपुर पंचायत में होली के दिन यह हादसा हुई थी, जश्न का माहौल मातम में बदल गया था। यहां निर्मल परियोजना के बगल में स्थित पोखर में डूबकर पूर्व पंचायत समिति सदस्य नागेंद्र राम की आकस्मिक मौत की घटना हुई थी। घटना के बाद परिजनों, पड़ोसियों और गांव के लोगों में मातम की लहर दौड़ गई थी। होली की उमंग भी यहां फीकी पड़ गई थी। परिजनों का बताना था कि मृतक नागेंद्र राम सुबह जब शौच के लिए गए थे तो घर वापस नहीं लौटे थे और वे हादसे के शिकार हो गए थे। मतलूपुर पंचायत के घोसरामा में होली का जश्न उस समय फीका पड़ गया था। मातम की खबर तब आई थी जब दोपहर बाद एक युवक की मौत पोखर में डूबने से हो गई थी। रघुनाथ राम के पुत्र कृष्णा राम की मौत हुई थी। आकस्मिक मौत की इस घटना के बाद गांव के लोग सदमे में थे, परिजनों में चीख पुकार मची थी। बताया जाता है कि होली की उमंग यहां फीकी पड़ गई थी। परिजनों का बताना है कि मृतक होली के जश्न के बीच दोपहर में शौच के लिए निकला था, तब लोगों को लगा था कि युवक गांव में होली खेलने निकला हुआ है, लेकिन जब वह शौच के लिए घर से निकला था, जिसके बाद वह घर वापस नहीं आ सका था और हादसे का शिकार हो गया था। एक पोखर में डूबने से उसकी मौत हो गई थी। पंचायत के मुखिया इंदु देवी का बताना है कि होली की दिन की यह घटना है, जिसके बाद से यहां मातम का माहौल हो गया था। दुखद समाचार सामने आई थी। सीओ के पहल पर आपदा प्रबंधन विभाग से 4 लाख रुपए का चेक आज जारी किया गया, जिसे मृतक के परिजनों को उन्होंने सौंपा है। इस दौरान यहां राजस्व कर्मचारी राम मेघवाल चौधरी, मुखिया प्रतिनिधि अशोक कुमार, रामजतन राय, मनीष कुमार ठाकुर समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। इधर बंदरा प्रखंड परिसर में आधार कार्ड इनरोल कराने के नाम पर अवैध वसूली का धंधा फिर से चालू हो गया है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों ग्रामीणों के ऐतराज के बाद, जरूरतमंद लोगों के प्रतिरोध के बाद इसमें लगाम लगी थी, लेकिन हाल के दिनों में यहां अवैध रूप से वसूली की शिकायत फिर से मिलने लगी है, जिस पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। इस मामले की शिकायत जिले के वरीय अधिकारियों से भी की गई है और कार्रवाई की मांग तेज कर दी गई है। बताया जाता है कि आधार कार्ड में त्रुटियों के संधारण के नाम पर यहां मनमाने रूप से पैसे की वसूली की जा रही है और इस आरोप को लेकर लोगों में नाराजगी है। लोगों में इस बात की भी नाराजगी है कि काफी समय पंक्तिबद्ध रहने के बावजूद, सभी कागजात सही रहने के बावजूद, अवैध रूप से दलालों के द्वारा, बिचौलियों के द्वारा वसूली का धंधा किया जा रहा है और प्रखंड में अधिकारियों के रहने के बावजूद प्रखंड के कोई अधिकारी सेंटर पर नहीं आ रहे हैं, इन ऑपरेटर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण से लोगों में प्रखंड के अधिकारियों के खिलाफ भी गुस्सा भड़कने लगा है। इस बीच हत्था पंचायत के हत्था चौक के पास लाइफलाइन हॉस्पिटल की आज शुरुआत की खबर मिली है। इस प्राइवेट अस्पताल के खुलने से इलाके के लोगों को काफी फायदा होगा। 3 चिकित्सकों की यहां उपस्थिति रहेगी। संचालक मुकेश कुमार ने आज बताया कि 6 बेड का यह अस्पताल है। इस प्राइवेट अस्पताल की शुरुआत यहां मुखिया प्रत्याशी रिंकू देवी के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता संजीत कुमार गुप्ता भी मौके पर मौजूद थे। संयुक्त रूप से इसकी शुरुआत की गई, फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस दौरान बंदरा के उपप्रमुख दिनेश राय समेत इलाके के कई सामाजिक प्रतिनिधि एवं जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। हॉस्पिटल के खुलने से आसपास के लोगों में हर्ष का माहौल देखा जा रहा है। आज जो है लाइफलाइन हॉस्पिटल जो है आज इसका उद्घाटन किया गया है।
इस हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ व्यवस्था है? इसमें सभी प्रकार के ऑपरेशन होगा और इसमें क्या हॉस्पिटल इसमें ऑक्सीजन 24 घंटा सेवा उपलब्ध है, 24 घंटा इमरजेंसी सेवा। इस हॉस्पिटल से खुलने से कितने लोगों को फायदा मिलेगी? लगभग पंचायत में 22 स्टोर है, उसके अलावा और भी अगल बगल में गाँव वर्खा वगैरह सबको बेनिफिट मिलेगा। क्या नाम हुआ आपको? मेरा नाम मुकेश कुमार। आप इस हॉस्पिटल के क्या हैं?